लगा है। जी हाँ, ये लड़की अपने घर की इज्जत, खुशी, रौनक और लाडली है, लेकिन अब उदास है क्योंकि इतनी कम उम्र में ही इसकी मासूमियत दागदार कर दी गई। लड़की एक वहशी की वहशियाना हरकत का शिकार बन गई। गांव के ही एक भेड़िये ने हवस के पैरों तले सब कुछ तबाह कर दिया। वहाँ बेर के पेड़ खड़ा, उसके बच्चे बेर खाने के लिए वहाँ पहुँच गए। उधर ही वो था सुजान, मैंने पकड़ लिया। तो जब वो अपना जैसा कुछ किया हो और दोनों को धमकी दिया कि जान से फांसी जल्दी बांध लगता है, कोई करना नहीं। मैंने हल्ला मचाया मारे डर के, तो वो बच्ची की माँ थी खेत में, अब अरे हरियाली कर रही थी, दौड़ के गई। इंसानियत को शर्मसार करती ये घिनौनी वारदात हमीरपुर के थाना सिसोलर गांव गडा की है। हमने लड़की की पहचान छिपाने के लिए एक काल्पनिक नाम का सहारा लिया, जिसके जरिए हम उस दरिंदे की घिनौनी करतूत का पर्दाफाश करेंगे। अलका अपनी सहेली के साथ खेलते खेलते खेत की तरफ चली गई थी, लेकिन अनजान थी कि गांव का वहशी शिव सहाय परिहार उस पर घात लगाए बैठा है। इंसानी खाल में छिपे भेड़िये ने एक शिकारी की तरह अलका को दबोच लिया। अलका असहाय थी, शिव सहाय हदें तोड़ने पर आमादा था। अलका इज्जत की दुहाई देती रही, उसने एक न सुनी और घिनौनी वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। अलका ने जब अपनी माँ को अपनी आपबीती बताई तो घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। फौरन पुलिस को इत्तला दी गई। कल सिसोलर थाने में एक रेप की घटना हुई थी, जिसमें पुलिस के द्वारा तत्काल मुकदमा कायम किया गया है और मुलजिम को गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रहे हैं। उसका मेडिकल भी 7 बजे प्रातः ही शुरू करा दिया गया है, मेडिकल हो चुका है और शेष कार्रवाई तत्काल पूरी की जाएगी। फिलहाल पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए वहशी शिव सहाय को गाँव से ही दबोच लिया है। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई में जुटी हुई है। वहीं गांव में हुई इस वारदात से हर कोई सकते में पड़ा है कि आखिर कब तक दरिंदे अपनी घिनौनी वारदातों को अंजाम देते रहेंगे। अब आपसे एक सवाल, क्या शिव सहाय जैसे भेड़िये को महज सजा देने से मासूमियत लौट आएगी? अरुण श्रीवास्तव, हमीरपुर, समाचार प्लस। सरकार के लाख दावों के बावजूद लड़कियों पर अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला इटावा का है, जो सूबे के मुखिया का गृह जनपद है, जहां एक नाबालिग के साथ बदसलूकी की गई। पीड़ित परिवार इंसाफ की आस में दल दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर है। बात बलात्कार की हो या फिर छेड़खानी की, लड़कियों पर अत्याचार बदस्तूर जारी है। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि बहु बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं है, चाहे वो मुख्यमंत्री के गृह जनपद इटावा की ही बात क्यों ना हो। जी हाँ, सरकार द्वारा बनाई गई महिला सुरक्षा की योजनाओं के बावजूद महिलाओं पर अत्याचार बदस्तूर जारी है। ताजा मामला इटावा के थाना बकेवर इलाके में कसवा लखना का है, जहाँ एक नाबालिग लड़की के साथ दिन दिहाड़े छेड़खानी की गई और विरोध करने पर न सिर्फ उसके साथ मारपीट की गई, बल्कि वहां मौजूद उसके परिवार के लोगों को भी मारा पीटा गया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। दबंगों ने उन्हें पुलिस के पास जाने से रोका और इसके लिए उन्हें जान से मारने की धमकी तक दे डाली। हमको मारा नहीं था, मेरा हाथ पकड़ा गया था। कई मेरा हाथ पकड़ा, हमने अपने पापा को बोला, हमने अपने पापा को बताई, इतनी बताई कि हमने उनके मेरे भैया ने उनके 2-3 थप्पड़ मारे। सभी घर पे गए, उन्होंने अपने लड़कन को बुलाओ और एक आए कि उनके लड़कन ने 3 उन्हें धमक दिया मेरे पापा को। तारीख 3 जनवरी 2013, पीड़ित के परिजनों ने थाने में न्याय की गुहार लगाई, लेकिन पुलिस कर्मियों ने उनकी एक न सुनी।
जिसके बाद उन्होंने न्यायालय की शरण ली, इंसाफ की गुहार लगाई। वक्त गुजरता चला गया। करीब 2 महीने बाद कोर्ट के आदेश पर मुकदमा बकेवर थाने में आईपीएस की कई धाराओं के तहत आरोपियों के खिलाफ दर्ज हुआ, लेकिन इसके बाद भी पीड़ित परिवार की मुश्किलें कम नहीं हुई। ये सभी आज तक अपनी बेबस लड़की को लेकर थाने के चक्कर काट रहे हैं, इस उम्मीद से कि उनको न्याय मिलेगा। यही घटना हो गई साहब, विवाह जोरावरी दारू पी के मारपीट की। यही घटना हो गई साहब, विवाह जोरावरी दारू पी के मारपीट की। यही घटना हो गई साहब, विवाह जोरावरी दारू पी के मारपीट की। वहीं न्याय और सुरक्षा की बात करने वाले हमारे पुलिस के नुमाइंदे इस मामले से पल्ला झाड़ते नजर आए। उनकी माने तो कोर्ट के आदेश पर मामला दर्ज हुआ है, जिसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी कर रहे हैं। जो भी जांच में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। एफआईआर दर्ज हुई है 32/2013, जिसमें छेड़खानी का आरोप लगाया गया है। 354 आईपीसी की धारा भी इसमें लगाई गई है। विवेचना इसकी क्षेत्राधिकारी चक्र नौर द्वारा की जा रही है और विवेचना से जो तथ्य सामने आएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बात एक लड़की की ही अस्मत की नहीं है, बल्कि उस सोच की है जो इंसान पर हावी है, और उस पर पुलिस की इस तरह की बेरुखी दरिंदों के नापाक इरादों को और मजबूत करती है। अब आपसे हमारा सिर्फ एक सवाल, अपराध मुक्त भय मुक्त समाज की क्या यही सच्चाई है? मनोज दुबे, इटावा, समाचार प्लस। तारीख 15 फरवरी 2013 झांसी में एक लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। अपराधियों ने केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन के भांजे को अपना शिकार बनाया, रात का फायदा उठाकर कार लूट ली और फरार हो गए। मामला हाई प्रोफाइल होने के चलते पुलिस के लिए अपराधी चुनौती थे और आखिरकार कामयाबी मिली। शातिर लुटेरे चढ़ गए हत्ते। थाना सीपरी बाजार झांसी। थाने के भीतर आज कुछ अपराधी पुलिस के मेहमान बने हैं। जिन अपराधियों को आप देखने वाले हैं वो कोई शातिर अपराधी नहीं है, बल्कि अपने शौक को पूरा करने के चक्कर में अपराध का रास्ता अख्तियार कर लिया। अब जरा इनके चेहरों को गौर से देखिए। पुलिस कस्टडी में कदम ताल करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। चेहरे की रंगत फीकी पड़ी है, काम ही कुछ ऐसा किया है। एक का नाम रत्नेश वर्मा और दूसरे का मोहित चतुर्वेदी। काफी पढ़े लिखे हैं और शरीफ घर से ताल्लुक भी रखते हैं। जी हाँ, इंजीनियरिंग के छात्र हैं, लेकिन अपने शौक के चक्कर में मारे गए। दोनों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है और लूटा भी तो केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन के भांजे की कार। पुलिस ने इन दोनों को कार समेत दबोचा। थाने में खड़ी जिस कार को आप देख रहे हैं वही कार लूटी गई थी। देखिए क्या दशा बना रखी है। अंदर पड़ी बियर की बोतलें, सोडा वाटर, जो काफी है इनकी करतूतों को साबित करने के लिए। केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन के भांजे सोहेल जैन की गाड़ी रात में करीब 12:45 बीकेडी चौराहे पे कुछ लोगों ने उनसे लूट ली। 2-3 दिन बाद उसका पता पुलिस ने उसको खोला और मैं इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र 2-3 छात्र हैं जिनके पास से वो गाड़ी बरामद की गई। तो गाड़ी केंद्रीय मंत्री के भांजे की बरामद हुई, लेकिन इस तरह से झांसी में आए दिन रोज इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तारीख 15 फरवरी 2013, दिन शुक्रवार। केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन के भांजे सोहेल जैन अपनी I-10 कार पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। झांसी का BKD चौराहा सोहेल अनजान था कि जिस राह पर वो निकला हुआ है उसी रास्ते पर दो अज्ञात शख्स घात लगाए बैठे थे। सोहेल को आता देख रत्नेश और मोहित के हौसले बुलंद हो गए। दोनों ने मिलकर कार लूट ली और फरार हो गए। मामला काफी हाई प्रोफाइल होने के नाते पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए दोनों को उस वक्त दबोचा जब दोनों शराब के नशे में धुत कार चला रहे थे।
आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, साथ ही अपने एक और साथी का नाम बताया है जो कि वारदात वाले दिन उनके साथ था। हमने पढ़ने वाले हैं लेकिन ये 100 मौज में चार पांच जन हो गए घटना हुआ। फिलहाल एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और कार्रवाई में जुटी हुई है। इन लड़कों की करतूत ने अपने घर की इज्जत बर्बाद कर ही दी, साथ ही अपना भविष्य भी दांव पर लगा दिया। आखिरकार ये वारदात साबित कर रही है कि किस तरह से अच्छे घरों के लड़के शौक के चक्कर में जुर्म का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। विकास शर्मा, झांसी, समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद दिखाएंगे भाई बना कातिल। इसमें टेस्ट है तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी एट वृंदावन। आज ली क्या? उंगली और जूली का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? एक प्रदेश ऐसा जो तय करता है देश की राजनीति की दशा और दिशा। एक दूसरा प्रदेश जिसकी कला संस्कृति ही नहीं हर जर्रा है खूबसूरत, अनूठा और विशेष। देखिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर हलचल सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुमसे सादा पान मसाला। सीतापुर पुलिस ने एक वारदात की गुत्थी सुलझाई है, डबल मर्डर की वारदात जो पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं थी। कत्ल का मास्टरमाइंड गिरफ्तार कर लिया गया, साथ ही तीन आरोपी पकड़े गए हैं। कातिल ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। कातिल कोई और नहीं बल्कि अपना ही खून है। देखिए जरा। कोतवाली लहरपुर जनपद सीतापुर, अब जरा इन तस्वीरों को देख लीजिए। कुछ याद आ रहा है? एक दंपत्ति की हत्या हुई थी जिसका पर्दाफाश पुलिस ने कर दिया है। लहरपुर थाना में पुलिस के मेहमान बने ये वही कातिल हैं जिन्होंने डबल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस इस कामयाबी से काफी चौड़ी है, हो भी क्यों ना। मास्टरमाइंड के साथ उसके तीन साथी जो पकड़े गए हैं, हाथों में हथकड़ी लगी है। चलिए अब जरा इस शख्स को देख लीजिए जो डबल मर्डर का मास्टरमाइंड है। अब जो हम आपको बताने वाले हैं उसे सुनकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। जी हाँ, कातिल छोटे ने अपने ही भाई और भाभी के खून से हाथ रंग लिए, दोनों को मौत के घाट उतार दिया। छोटे ने अपना एक बालिया गुनाह कबूल कर लिया है, लेकिन छोटे ने क्यों अपने ही भाई की हत्या करवा दी, सुनिए जरा। सर वो हमारी बीबी के साथ गलत करता था, अगर हम कुछ कहते थे तो हमको मारता था, इसीलिए हमसे देखा नहीं गया है।
तो हमने इनको 1,00,000 रुपया देकर नसीम को हत्या करवाई है। कितने लोग इसमें शामिल थे? इसमें 7 लोग शामिल थे। इसके पहले वो हमारे बाप को मार चुका था, अपने ही बाप को मार चुका था। हमारा बाप उसका बाप एक था, इसीलिए हम समझ गए।